हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशंस। इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एक नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और कैसे आप ले सकते हैं आईडी पासवर्ड्स, ठीक है, जिसकी मदद से आप बना सकते हैं एक नया राशन कार्ड। अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए यूजर आईडी पासवर्ड्स। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप एक नया राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस तरह आप यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड को ले सकते हैं, और लेने के बाद यहाँ पर जो है आपका राशन कार्ड तो बनवा ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट्स या फिर खतौनी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बनवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक और वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आसानी से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो, ठीक है। या फिर आप गूगल में जाकर सर्च करोगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी तो आपके सामने भी ये पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई जहाँ पर है सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन टाइप दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पर चार तरह का लॉगिन दिखाई मिलता है। आपको जो नीचे वाला लॉगिन दिखाई जहाँ पर सिटीजन लॉगिन, तो आपको सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बड़ी थोड़ा सा लोडिंग लेता है। उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आती है, और आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे ऊपर में जहाँ पर SSDG लॉगिन, तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बड़ी थोड़ा सा लॉगिन लेता है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक लॉगिन पेज ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शन दिखाई मिलते हैं, जहाँ पर एक लॉगिन टाइप, और आपका यूज़र नेम, और आपका एक पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करनी है, लॉगिन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर तीन तरह का दिखाई मिलता है। आपको जो लास्ट वाला आपको दिखाई जहाँ वाले CSC लोकवाणी ये सुविधा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। अगर आपके पास CSC ID है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किस तरह यहाँ से ले सकते हैं, आईडी ले सकते हैं और पासवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। ये बात तो एक हो गया, ठीक है ना। अगर आपको किसी का यूजर आईडी पता है, उसका मदर नाम को पता है और डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप यहाँ से उसको आईडी पासवर्ड आप ले सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले आपको यहाँ पर अनलॉक यूजर है ना, आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं, और जिसका आप यूजर आईडी जानते हैं उसका यूजर आईडी को यहाँ फिलअप करनी है। उसके उसका डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करनी है। उसके बाद आपका मदर का नाम जो भी है आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सिक्योरिटी की आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इतना सारा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अनलॉक पर क्लिक कर देनी है, तो आपका यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। और उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से किसी को अगर पता है तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, अनब्लॉक कर सकते हैं, और अपना जो भी है कार्य यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका इनलीगल हो गया। बट अगर आपको लेना चाहते हो यूजर आईडी एंड पासवर्ड सही तरीका से, तो किस तरह ले सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना गूगल को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करनी है, जिस तरह मैंने टाइप किया सहज। उसके बाद आपको सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपको जो पहला वाला ऑप्शन आता है जहाँ पर है रिटेलर सहज .co.in, तो आपको यहाँ पर उसको क्लिक करनी है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी मदद से आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करवा के देती है। बट ये सरकार जो गवर्नमेंट से लिंक है, इसलिए गवर्नमेंट के साथ ये कार्य करती है, और आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पैसे पेमेंट करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे मेरे पेज ओपन हो रहा है, तब तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सहज की जो वेबसाइट है आपको कुछ इस तरह का नज़र आती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस सहज वेबसाइट को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, और इसकी जो प्राइवेसी है वगैरह आप यहाँ से देख चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना यहाँ पर लॉगिन करना होता है, और आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड लेना होता है। तो चलिए कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह वहाँ से आईडी पासवर्ड को ले सकते हैं। तो अगर आपको आईडी पासवर्ड लेना है तो आपको यहाँ पर जो ऊपर में तीन लाइन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे आप तीन लाइन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखे जहाँ पर है रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर दिखा जहाँ पर है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको न्यू रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर पेज थोड़ा सा लोडिंग ले रही है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप अगर CSC जन सेवा जो आईडी होती है अगर लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको लगभग 15,000 से 20,000 रुपये का खर्चा आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो CSC की आईडी होती है वो बिल्कुल उससे अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको मांगा जाता है सहज मित्रा रेफरल्स प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पर आपका किसी का अगर आईडी है तो यहाँ पर आपको रेफरल को डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने आता है यहाँ पर सहज मित्रा रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर जैसे कहता है इंटर टाइप्स, आप यहाँ पर किस तरह बना बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ बिजनेस टाइप करोगे, तो बिजनेस टाइप के लिए आपको पार्टनरशिप या फिर फॉर्म का नाम देना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कर लेना है इंडिविजुअल कर लेना है, ठीक है। तो इंटरव्यू टाइप करने के बाद आपके यहाँ पर आता है सेलेक्ट कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है ऑप्शन दिखाई मिलता है कुछ इस तरह का सहज मित्रा। तो आपके डिस्ट्रिक्ट की सहज मित्रा क्या है आपको पहले पता होना चाहिए।
अगर पता करने के लिए आपको यहाँ पर जो इसकी प्राइवेसी में उसका नंबर दिया होगा, आप नंबर से जाकर कॉल करके बता सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी सहज मित्र वो किससे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर दे सकते हैं। मुझे इतना पता है कि जो भी उत्तर प्रदेश से है वो उसके लिए परम मित्र यहाँ पर है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ सहज मित्र को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है परम मित्र, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देता है स्कीम ऑप्टेड फॉर, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर क्लिक करते तो आपका आता है रूरल या अर्बन, तो आप रहते हैं अगर अर्बन से रहते हैं तो आपको अर्बन पर क्लिक करनी है, अगर आप रूरल क्षेत्र से रहते हैं तो आपको यहाँ पर रूरल पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई मिलता है कि डू यू हैव ए ऑफलाइन स्पेस 100 स्क्वायर फीटर, अगर है तो येस नो पर क्लिक कर सकते हैं, तो नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद डू यू हैव ए इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेस्कटॉप लैपटॉप, और आपके पास आता है कनेक्टिविटी यानी कि जो भी इंटरनेट कनेक्ट 256 kbps है तो आपको येस पर क्लिक करनी है, ठीक है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि डू यू हैव दी इंफ्रास्ट्रक्चर UPS और प्रिंटर आपके पास है, तो यस पर क्लिक करनी है, जो जो आपके सिस्टम में ज़रूरत पड़ते हैं उसका वो चाहिए होता है, ठीक है। तब के बाद डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो कर सकते हैं, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको ID नहीं देने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, आपको मिलता नहीं यहाँ से। उसके बाद बताता है कि आर यू एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिक पार्टीज, तो यस नो कर सकते हैं, आपका मर्जी यहाँ पर जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताती है कि आर यू ए कंप्यूटर से भी यस कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाया जाता है व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद चलो यहाँ पर आया था, उसके बाद चला गया, यहाँ पर मैं क्लास कर रही थी 12, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देते डू यू हैव एनी रेडी इन्वेस्टमेंट, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर इन्वेस्टमेंट क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक करो। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आता है कि 20,000 से 65,000 यहाँ पर अमाउंट है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला ऊपर वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म आता है उसको भर के आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ID पासवर्ड जो भी है पूरा का पूरा आपको यहाँ फिलअप करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो अगर आप लेना चाहते हो यूजर ID पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको ये करना होता है, रजिस्टर करना होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर जैसे पता है कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद आपको यहाँ पर आ गया है, देखते हैं कि सेलेक्ट, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करनी है, आपकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है तो यहाँ पर मिस्टर या मिसेज जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिलअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करनी है अपना, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल, उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी है कि आपका अनमैरिड या मैरिड जो भी है आपको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको सेलेक्ट नेशनलिटी, आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया था अपनी ईमेल ID फोन नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करनी है, OTP जाता है OTP को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह ईमेल भी वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है अपना गार्जियन का इन्फॉर्मेशन, आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलेशनशिप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ से आपको बैंक डिटेल्स फिलअप करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको वो सबमिट कर रख लेना होता है। उसके 3 से 4 दिन के बाद आपको यहाँ पर जो होता है आपकी यूजर ID पासवर्ड आपको दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो पैसे आपको यहाँ पर दिए हैं जैसे 50 से 60 हज़ार आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, इस ID को लेने के लिए आपको कुछ पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपका पैसे पेमेंट करने होते हैं, आपको एक कार्ड के माध्यम से या फिर नेट बैंक किसी माध्यम से आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, तभी आपको यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड जस्ट 3 दिनों के अंदर में ले सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में जाकर आप वहाँ पर अप्लाई करके अपने राशन कार्ड या फिर आपका जाति आवास जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या प्रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप वैसे बनवा सकते हैं। तो इस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पर जो ID पासवर्ड को ले सकते हैं, ठीक है, इसी वेबसाइट की मदद से। ये कोई फेक नहीं, अगर फेक है तो आप यहाँ से जो इसकी जो प्राइवेसी और पॉलिसी है आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आपको पूरी तरह से अच्छे से पता होना चाहिए, ना तो आप यहाँ से विदाउट अगर प्राइवेसी जो चेक किया अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारे वेबसाइट इसी तरह के होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा अच्छी तरह से नॉलेज को होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।